हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट इज कनेक्टिंग वायर्स, सेकेंड इज स्विच इन ऑफ पोजिशन, सेकेंड थर्ड इज बल्ब, फोर्थ इज सेल, फिफ्थ इज स्विच इन द ऑन पोजिशन एंड सिक्स्थ इज बैटरी। सो द कनेक्टिंग वायर सिंबल इज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन ओनली, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में। सेकेंड इज स्विच इन ऑन पोजिशन, ऑन पोजिशन में स्विच जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिस बल्ब इस तरीके से, सेल इस तरीके से, स्विच ऑफ इस पोजिशन में एंड बैटरी इन दिस पोजिशन, बैटरी ये है। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सर्किट डायग्राम बनाना है इस सर्किट का, ठीक है। तो इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, पहले तो बल्ब है, कनेक्टिंग वायर है, एक सेल है, ये स्विच है, ठीक है। तो अब पहले क्या क्या दिखाना है आपको, बल्ब दिखाना है, दिस इज द बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, सेल दे रखा है आपको, सेल बनाया आपने और ये स्विच है। तो आपने इसको सर्किट डायग्राम में पूरा रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 14.22 शोज द 4 सेल्स फिक्स्ड इन अ बोर्ड। ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी बस एक फिगर दे रखी है, दिस इज द फिगर, ये पूरी एक फिगर है, ठीक है। आपको 4 सेल दे रखे हैं, एक बोर्ड में फिक्स है वो। आपको ये बताना है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है जिससे आप इंडिकेट कर सके और कनेक्ट कर सके टर्मिनल को विद वायर्स, ताकि ये जो 4 सेल है वो एक बैटरी बने, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ ये पहले यहाँ पर एक वायर आएगी, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी, देन नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, देन नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, देन नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से एंड देन कुछ इस तरीके से। इधर आपको दे रखा है कि किस तरीके से वायर कनेक्टेड होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब ऑफ अ सर्किट शोन 14.23 डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक अ नेसेसरी चेंज इन अ सर्किट टू मेक अ बल्ब ग्लो। ये डायग्राम दे रखा है आपको, एक सर्किट दे रखा है जिसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो आप कैसे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है और आपको कुछ नेसेसरी चेंजेस लाने सर्किट में ताकि जो बल्ब है वो ग्लो कर सके। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, जो सेल है दोनों सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक दूसरे से अटैच है। और ये चीज़ आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है, तो इस तो आपको क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ पर आपको जो सेल है वो चेंज करने पड़ेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से अटैच करना पड़ेगा ताकि करंट जो है वो फ्लो कर सके। तो यहाँ पर आपको करेक्ट दे रखा है कि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इनको कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर वायर से कनेक्ट कीजिए और यहाँ पर वायर से कनेक्ट कीजिए, और जो आपका जो सर्किट डायग्राम है कंप्लीट हुआ, बल्ब जो है आपका वो ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के, वो आपको बताने हैं। तो फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल कीप्ड नियरिंग गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स साउथ नॉर्थ पोजिशन, फ्रॉम इट्स नॉट सब पोजिशन, एक्सप्लेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि जब करंट जो है वो मतलब कि जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट है, जो करंट है वो स्विच ऑन है थ्रू दी वायर, तो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है नॉर्थ टू साउथ पोजिशन में, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। व्हेन अ करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट, हेंस द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल केप्ट नियर बाय। देखिए तो जब करंट है वो फ्लो कर रहा है थ्रू दी वायर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो जाती है अराउंड इट,
और जो कंपास है, कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है अगर वो उसके पास रखी हुई होती है, करंट जहाँ पर फ्लो हो रहा है उसके पास अगर वो रखी हुई होती है तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन इफ द स्विचेस इन द सर्किट शोज 14.24 इज क्लोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि जो कंपास नीडल है वो क्या डिफ्लेक्शन शो करेगी अगर जो स्विच है सर्किट में वो क्लोज है। अगर सर्किट में स्विच है अगर वो क्लोज है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वही नहीं पास करेगा, तो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी ही नहीं। तो सोल्यूशन भी दे रखा है, नो कंपास नीडल डज नॉट शो डिफ्लेक्शन व्हेन द सर्किट इज क्लोज, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट क्रिएटेड अंटिल द करंट इज फ्लो थ्रू द सर्किट। देखिए जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी क्योंकि जो सर्किट है वो क्लोज है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नहीं क्रिएट होगी जब तक कि जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन दी ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स है। फर्स्ट इज द लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ सेल रिप्रेजेंट, जो लॉन्गर लाइन होती है इन द सिंबल ऑफ सेल वो रिप्रेजेंट करती है क्या, पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम दिखाते हैं, तो जो लॉन्गर लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जो लॉन्गर लाइन है वो क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल सब बताती है। नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड, जो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा सेल का उसे हम कहते हैं बैटरी। थर्ड इज व्हेन अ सर्किट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इज डैश प्रोड्यूस। देखिए जब करंट है वो ऑन है और जो सर्किट है वो स्विच ऑन है तो जो रूम हीटर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड डैश। जो सेफ्टी डिवाइस है जो बना हुआ है किस बेस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज कहते हैं हम उसे सेफ्टी डिवाइस को। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ट्रू फॉल्स करना है। तो पार्ट ए इज टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल द नेगेटिव सेल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल। देखिए जब भी हमें बैटरी बनानी होती है दो सेल से, तो जो हम नेगेटिव टर्मिनल होता है एक सेल का वो हम कनेक्ट करते हैं दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमें जब बैटरी बनानी होती है दो सेल की, तो हम जो नेगेटिव टर्मिनल है एक सेल का वो कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल से, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक। देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट जो है होता है वो ज़्यादा एक्सीड हो जाता है थ्रू द फ्यूज उसकी लिमिट से, तो जो वायर होती है वो जो फ्यूज की वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल ट्रू, इसीलिए हम उसे सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, उसमें हम वायर लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा हो जाता है फ्यूज में तो जो फ्यूज की वायर है वो मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है। तो आंसर इज ट्रू। सी इज इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो पीस ऑफ आयरन जो है उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। आंसर इज फॉल्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो आंसर इज फॉल्स। डी इज एन इलेक्ट्रिक बेल हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट होता है। तो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन हाउस, ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो घर में कुछ रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अब वो चाहते हैं कि वो रिप्लेस कर दे फ्यूज को बाय द पीस ऑफ वायर से उसको रिप्लेस कर दे, क्या आप एग्री करेंगे, और आप अगर आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे अपने रीजन को एक अपने उस रिस्पॉन्स को एक रीजन दीजिए। तो आंसर इज नो, इट इज़ नॉट वाइस आइडिया टू रिप्लेस फ्यूज बाय द पीस ऑफ वायर बिकॉज एज इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि अगर हम जो फ्यूज़ है उसको रिप्लेस कर दे बाय द पीस ऑफ वायर, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इन केस ऑफ मेटल पीस, जो अगर हम मेटल पीस की बात करते हैं तो जो मेटल पीस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो सर्किट है इंटैक्ट रहेगा अगर
बाई चांस ओवरलोड हो जाता है या ओवर हीट हो जाता है, तो जो फ्यूज़ है हम उसको रिप्लेस ना करें विद अ पीस ऑफ वायर तो वो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, जुबेदा मेड अ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन द फिगर स्विच एंड बल्ब। व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजीशन द बल्ब डज नॉट ग्लो। हेल्प द जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पोजीशन पॉसिबल इफ डिफेक्ट्स इन दी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये बोल रहे हैं कि जुबेदा जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया यूजिंग अ सेल होल्डर, ठीक है, जिसमें स्विच और बल्ब है। अब जैसे ही जुबेदा ने स्विच को ऑन पोजीशन में रखा, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ। अब आप जुबेदा को बताइए कि क्या क्या पॉसिबल डिफेक्ट्स हो सकते हैं इस सर्किट में। तो क्या हो सकता है, या तो कनेक्टिंग वायर जो हो वो लूज हो, इस वजह से शायद बल्ब नहीं जल रहे हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो है शायद वो ख़त्म हो गया हो, मतलब उसके अंदर खुद बैटरी ना हो या फिर उसके अंदर पावर ना हो। नेक्स्ट इज जो स्विच है शायद वो काम ना करो, स्विच खराब हो, या फिर जो सेल की पावर है वो एग्जॉस्ट हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्किट शोन फिगर 14.25, आपको एक सर्किट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बोले, पॉइंट 1 है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन अ स्विच इज ऑफ इन ऑफ पोजीशन। देखिए, अगर हम स्विच को ऑफ पोजीशन में रख देंगे तो क्या कोई भी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? तो आंसर इज नो। अगर हम स्विच को ऑफ पोजीशन में रख देंगे तो कोई भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्विच है वो ऑफ है। सेकेंड इज, वट विल बी दी ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो वेन स्विच इज मूव टू ऑन पोजिशन। ठीक है, अगर स्विच जो है वो हम उसे ऑन पोजिशन, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो जो किस ऑर्डर में जो बल्ब है वो ग्लो करेंगे, ए बी सी किस ऑर्डर में बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे। तो अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो जो बल्ब है वो साइमेंटेनियसली एक साथ ग्लो करेंगे, तो कोई ऑर्डर नहीं होगा उनमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।